तो गुरु लोग, काफी सारे लोगों के रिव्यू देने के बाद और लोगों के मूवी देखने के बाद आज फाइनली हम पूरी की पूरी स्टोरी लेकर आए हैं गदर 2। गदर एक प्रेम कहानी जिसकी दूसरा पार्ट जो अभी रिलीज हुआ है उसकी पूरी की पूरी कहानी बताएंगे और शुरुआत से लेकर अंत तक कितनी एक्साइटेड है और सबके सब मोमेंट ऑलमोस्ट कैप्चर कर रखी है। आपको जो मोमेंट बचेंगे वो तो आपको खुद जाके देखने पड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और छटा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गुरु लोग, कहानी की शुरुआत होती है पहले ही पार्ट से जहाँ पे इंडिया का पार्टीशन का पार्ट शो करते हैं और जहाँ पे तारा सिंह खुशियां मना रहा था वहीं पे हामिद इकबाल अपनी 40 के 40 कब्रों के आगे कसम उठा रहा था कि वो इंडिया वालों को छोड़ेगा नहीं। अरे इंडिया वालों को ये छोड़ेगा नहीं, अरे हम इंडिया वाले हैं, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। अब चलते हैं कहानी की तरफ। आगे भाई हामिद इकबाल सभी हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के उनकी जान ले रहा होता है और एक दिन उसका कर्म उसके सामने जरूर आना होता है, वो तो अंत में दिखेगा। उसके बाद भाई वो अपने तारा सिंह का केस ओपन करता है और तारा सिंह का केस ओपन करते ही सबसे पहले अशरफ अली को फांसी दिलवाता है और फांसी दिलवाने के बाद भाई इंडिया से जंग करने की शुरुआत करता है। भाई ये तो रह गई पाकिस्तान की कहानी। अब आगे चलते हैं इंडिया की तरफ, अपने तारा सिंह की तरफ। तारा सिंह की एंट्री होती है वहीं अपने ट्रक के साथ और वो अपने छोटे से भतीजे के साथ। और वहीं पे तारा सिंह का सिस्टम इतना बढ़िया होता है ना आर्मी में, वो कर्नल रावत से मिल के आता है और कर्नल रावत उसको बताते हैं कि जंग के आसार पास ही है। और भाई कैसे पास है वो तो आगे कहानी में पता लगेगा। अब भाई आगे चलता है कहानी में आगे चलता है। जब वो घर जाता है तो हमारा सबसे फेवरेट सॉन्ग आता है, तू घर आ जा परदेसी। अब भाई इसके बाद एंट्री होती है जीते की और भाई जीता जो कि तोते तोड़ रहा होता है और तोते तोड़ते तोड़ते पीछे तारा सिंह आता है और उसके तोते तोड़ देता है। 10 दिन से कॉलेज नहीं गया होता है और उसकी वजह से एक मेलोड्रामा जो कि एक बाप बेटे का हर घर में होता है कि देख तूने अपने बेटे को बिगाड़ रखा, देख तूने अपने बेटे को बिगाड़। और एक्चुअली एक माँ और बेटे की कॉन्ट्रोवर्सी भी बहुत प्यारी सी दिखा रखी है और उसके बीच में जब वो उसको खाना खिला रही होती है तो वहां पे वो अशरफ अली की बात छेड़ देता है। जीता अशरफ अली की बात छेड़ देता है और वहां पे पता लगता है कि ये न्यूज इंडिया तक पहुंच चुकी है और हामिद इकबाल ने अशरफ अली को फांसी दे दी है, ये उसको पता लग जाता है। और उसके बाद वहीं पे आगे उसको चंडीगढ़ भेजने की प्लानिंग करते हैं लेकिन उससे पहले वो एक बाइक की डिमांड करता है, वो बाइक दिलवा देते हैं और उसके बाद अपना गड्डी लेके गाना आ जाता है। गड्डी लेके जैसे गाना आता है तो भाई वहां पे उसको बुलेट मिल जाती है और भाई उसके बाद उसको चंडीगढ़ भेज दिया जाता है। और वहीं पे एक छोटा सा पार्टीशन आता है जब मैं तारा सिंह की बीवी उसको बताती है कि भाई मैं जब पाकिस्तान से इंडिया आई थी तो मेरे बाबा कैसा फील करते थे जब वो चंडीगढ़ चला जाता है। तो उसके बाद होती है असली कहानी की शुरुआत और वो कहानी कहां से होती है कि जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही होती है तो तारा सिंह की एंट्री होती है ट्रक के साथ। अब भाई वहां जाके वो अपना यानी कि मेरा सबसे फेवरेट डायलॉग बोलता है कि दुश्मनों को पूछो तारा सिंह कौन है। और भाई इसके बाद यहां से उनकी जंग में वो मदद करता है और कैसे कैसे पाकिस्तानियों को मारता है। मजा ही आ रहा था देखने में, गूज़बम्प्स वाले ऐसे ऐसे सीन्स जो कि इसमें इंक्लूड होने वाला पहला ये सीन था। जब उसका हामिद इकबाल देख लेता है तो भाई अपनी टीम को बैकएंड करने के लिए ऑर्डर देता है और धीरे 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 उसकी टीम पीछे होती जाती है लेकिन उसमें सिर्फ 4 इंडियन फंसते हैं और वो 4 इंडियन में अपना तारा सिंह नहीं होता है। अब ये बात उसके घर वालों को नहीं पता होती तो इसलिए जीता डिसाइड करता है कि वो पाकिस्तान जाएगा। आशीष नाम का एक नकली पासपोर्ट वीजा लेके वो पाकिस्तान में घुस जाता है और भाई अपने बापे को ढूंढने के लिए पहले वो अपने ही सबसे पहले रिश्तेदार के पास जाता है, वहां पे उसको सजेशन मिलता है और फिर वहां से वो एक जगह जाता है जहां पे उसको मिलती है मुस्कान जो कि ले लेती है उसकी चमकान और हो जाता है उसका रोड़ा और उसको हो जाता है उससे प्यार। अब क्या सीन होता है, ये पूरी कहानी उसी के ऊपर ही जाती है। यहां से आधे घंटे की कहानी पूरी की पूरी लव कॉन्सेप्ट के ऊपर है। उसके अंदर कुछ हंसी मजाक वाले सीन्स और कुछ प्यारे प्यारे स्माइली मोमेंट्स हैं लेकिन जीते का मोटिव और जीते का इंटेंशन और जीते का मकसद सिर्फ अपने बापे को ढूंढना होता है, ना कि मुस्कान को प्यार करना होता है। लेकिन उस मुस्कान को उससे बहुत प्यार होता है और दैट टाइम उसको रियलाइज हो जाता है कि भाई हाँ मुस्कान मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वहां से भाई उसको भी उससे एक लगाव हो जाता है और भाई धीरे धीरे वो प्लान अप करके कैसे ना कैसे उस आर्मी में घुसते और पता करते कि कौन कौन आया नहीं कौन कौन आया और उसको तारा सिंह वहां नहीं मिलता। अब भाई यहाँ से कहानी जंप करके सीधा तारा सिंह के पास जाती है और इंडिया में तारा सिंह सबको मिल चुका होता है और तारा सिंह जैसे घर आता उसका गुस्सा देखने वाला था क्योंकि भाई उसका बेटा पाकिस्तान जाके फंस चुका है। हमें मालूम ही नहीं, जाने दिया मेरे बेटे को। वो डिसाइड करता है कि पाकिस्तान जाएगा और भाई यहाँ पे हमें ब्रेक लगाना चाहिए, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, क्योंकि भाई एक्चुअलिटी पाकिस्तान जाना इतना आसान है कि एक बार तो लड़का वीजा लेके जा रहा है लेकिन यहाँ पे जंप मार के पता नहीं कैसे ही घुस गया। अब पाकिस्तान ये चला तो जाता है, बहुत अजीब बात रहती है क्योंकि हमें नहीं पता लगता कैसे जाता है। अब पाकिस्तान जाने के बाद ये सबसे पहले देखता है कि वहां पे इंडिया के खिलाफ कितना कुछ चल रहा है और मियां अगर हसरत औकात से ज्यादा बढ़ जाए ना तो तबाही के लिए दुश्मन की जरूरत नहीं। वहां पे उसको मिलता है वही उसका रिश्तेदार जिसके पास वो जाता है और वहां जाते उसको सारी कंडीशंस का पता लगता है और तो और
हालत इतना खराब होता है कि भाई वहां पे हामिद इकबाल उसके लड़के को टॉर्चर कर रहा होता है। वो टॉर्चर वाला सीन भी काफी अच्छा था क्योंकि उसमें वो एक डायलॉग बोलता है, जिसका बाप जिंदा हो उस बेटे को क्या फिक्र, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गया ना तेरे इतने चीथड़े करेगा तेरा पूरा पाकिस्तान नहीं गिर पाएगा। वहां से आगे सीन मुस्कान की तरफ जाता है, मुस्कान से फोर्स करके उससे सिग्नेचर करवाया जाता है कि भी इसने तेरे साथ फिजिकली कुछ करा, लेकिन एक्चुअली कुछ करा नहीं होता है। और भाई 30 मिनट का एक ऐसा पार्टिशन जिसमें गूज वॉम्स आना डेफिनेटली बुकड है, बेटा बाप से मिलना चाहेगा। क्योंकि भाई एक ऐसा पार्टिशन जहाँ पे सन्नी देओल को एक अपनी आवाज में चीख के उसी पोजीशन में पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तानी बोलो कि फाड़ने का मौका मिला ना दोस्तों, तो वो फाड़ेगा ही ना। और वो सबसे अच्छी बात जब वो उसको बचाता है वो वाला पॉइंट तो और भी अल्टीमेट है। जैसे वो बंदों से लड़ रहा होता है, फाइटिंग कर रहा होता है और हामिद इकबाल उसके लड़के को पकड़ लेता है, और इतने में ही सनी देओल उसके लड़के को पकड़ लेता है उसकी गर्दन की, अब बेटे मेरे बेटे को छोड़ दूं तो तेरी बेटे की गर्दन खत्म। और वहां से जाते जाते जीता उसको बोल के रहता है, मैंने बोला था ना मेरा बाप आएगा पढ़ ले तूने पढ़ता हूँ। और वहां पे और वहां से मूवी सारी रनिंग पे जंप करती है और सीधी सीधी प्रॉपरली रन करते रहते हैं, और रन इतना रन चलता है ना कि भाई वो बीच में एक तोप की वजह से वो एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं। जीता सीधा ट्रेन पे गिरता है और वो नीचे, और भाई सनी देओल आर्मी कैंप पता नहीं कैसे पहुंच जाता है, ये तो दिखाया नहीं यार इन्होंने। वो वहां जाके आर्मी कैंप को पूरा आर्मी कैंप डिस्ट्रॉय कर देता, कैसे ना कैसे करके वो इस्लाम पूरा अपने बेटे को लेने जाता है, लेकिन इतने में वो अरेस्ट हो जाता है। और भाई उसको बचाता है मुस्कान का बाप, वहां से उसको बचा के वो लेके आते हैं, और वो वहां पे बीच में कॉन्ट्रोवर्सी होती है कि भाई हाँ आप मेरी बेटी का ध्यान रखना, और वहां पे उसकी विदाई हो जाती है। लेकिन अभी रुको नहीं, कहानी आगे है, यहाँ से भी कहानी खत्म नहीं हुई यार। अब कहानी यहाँ आगे चलती है, कहानी भाई टर्नओवर लेती है हामिद इकबाल उसके माँ बाप को पकड़ लेता है, हेलीकॉप्टर पे उसको ढूंढता उसको धमकी देता है कि भाई हाँ अगर तुम सामने ना आए तो हम इनको हेलीकॉप्टर से गिर देंगे। इंडियन आर्मी के भी हैं और इसके माँ बाप भी है, तो वो कैसे करके सामने आ रहा है। इंडियन आर्मी को सुन के तो वो डेफिनेटली आ रहा था, उसके माँ बाप को तो फिर भी छोड़ देता है, मतलब पहले उसके माँ बाप को उसके बाप को फेंक दिया था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, फेंक दिया। लेकिन इंडियन आर्मी की बात आती, भाई साहब जोश आ रहा था बंदे में। वहां से फिर वो सामने आता है और उनको पकड़ लिया जाता है, और रात को कुछ नहीं करते वो, रात को कुछ करना ही नहीं है उन्होंने, दिन में होता है सब कुछ, दिन में मतलब फाइट भी दिन में हो रही है। लास्ट वाला जो पार्टीशन है ना, मतलब एक लास्ट वाली सीक्वेंस है, अल्टीमेट है, क्योंकि भाई यहाँ पे हिंदुस्तान जिंदाबाद वाला जो पार्टीशन है ना, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद ही रहेगा, क्योंकि भाई हमारा हिंदुस्तान है ना। अब कहानी में हामिद इकबाल उसको फोर्स करता है कि भी तू पाकिस्तान जिंदाबाद बोल, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने में जीता उसको चीख के बोलता हिंदुस्तान जिंदाबाद, और भाई वो तारा सिंह कहता है मेरे बोलने से क्या ही हो जाएगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जो पढ़ते पढ़ लो। अब भाई इतने में तो भाई सब उसके सेंटिमेंट जाग देते, और इतने में वो लड़ाई करना शुरू करते, लड़ाई करते 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 वो तोप उठा लेते, तोप उठा के वो निकल पड़ते, और बाकी सारी फाइट तोप पे है। और एंड का सीन, इंडिया बॉर्डर क्रॉस होने के बाद वहां पे वो एंड का सीन जो चलता है, एंड के सीन में वो उसको बोलता है कि कुरान या गीता, अब वो गीता को चुन लेता है, तब भी बेचारे की मौत हो जाती है, क्योंकि भाई उसने जो खून करे थे उसके कारण तो वापस उसके आने थे। और यहीं पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है मूवी की, लेकिन हाँ हिंदुस्तान जिंदाबाद दोस्त, हर कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, गदर 2 ने काफ़ी अच्छा रिटर्न कमाया, और कहानी के हर मोमेंट में गूज़बम्प्स क्योंकि इसे लेती, क्योंकि हमारे इंडिया से जुड़ी हुई और दिलों से जुड़ी हुई कहानी जो कि हम सबके सामने प्रेजेंटेड हुई है, उसका मज़ा डेफिनेटली आना ही आना है। कहानी काफ़ी मज़ेदार है, जाके जरूर देखिए, घर पे देखिए, मूवी चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम से ले लीजिए, लेकिन हाँ बस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है। अभी तक की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेसुरिया गदर 2 की पूरी कहानी आपके सामने मैंने प्रेजेंटेड कर दी गई है, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, नहीं लगी हो तो भी बताइएगा, और कोई कमी हो तो भी बताइएगा, लेकिन हाँ टेलीग्राम पर जरूर आइएगा अगर मूवी चाहिए।